यो गाइस, अभी आप लोग देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है, लड्डू। अरे नहीं, लड्डू नहीं है भाई, ये एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी ब्लॉक के अंदर जा सकते हैं, जैसे कि क्राफ्टिंग टेबल हो गया, फर्नेस हो गया, डायमंड ब्लॉक हो गया, बेडरॉक हो गया। चलो इसी बात पे मैं तुम लोग को करके दिखाता हूँ। तो चलो इस लॉक के अंदर चल के देखा जाए। एंड ये देखो तो मैं आ गया अंदर। ओ भाई, ये कौन है, ये कौन है? ओ नो 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 नो, कहाँ भागू भागू। देखो ये सब किसी ने नहीं देखा। हाँ ओके, तो तुम लोग समझ गए ना कि आज हम लोग किसी भी ब्लॉक के अंदर जा सकते हैं, लेकिन किसी भी ब्लॉक के अंदर जाना नहीं है भाई, नहीं तो ऐसा ही कुछ हाल होगा। तो चलो ऐसा करता हूँ, मैं पहले अपने लिए थोड़ा बहुत टूल्स कलेक्ट कर लेता हूँ भाई, मुझे अपनी बार बार बेइज्जती नहीं करवानी है। चलो तो ये बन गया मेरा प्लैंक एंड ये बन गया क्राफ्टिंग टेबल। अब बस मुझे अपने लिए ढेर सारे टूल्स बनाने हैं, ताकि वो कौन था पता नहीं, नाम भी भूल गया, उसको ऐसा चमाट मारूं ना कि वो इपिक डिपिक से दोबारा पंगा ना ले पाए। यार बताओ यार, मैं अभी अंदर गया ही था, उसने मुझे टपका भी दिया, अच्छी बात नहीं है ये। चलो तो सारे टूल्स बन गए, तो अब देखा जाए अब कौन से ब्लॉक के अंदर जाए। ना भैया, अभी उस ओकलॉक के अंदर नहीं जाऊंगा, आई नो दोबारा पिटाई हो जाएगी। तो ऐसा करता हूँ अभी चलते किसी और ब्लॉक के अंदर। तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग इस डॉट ब्लॉक के अंदर चले? ओके, लेट्स गो, आई होप यहाँ पे मेरा पोपट ना हो जाए। तो ये देखो शायद मैं आ गया अंदर। आ ये सब क्या है, व्हाट द हेल गाइस, ये सब तो ओह माय गॉड, यू ये सब तो कीड़े मकोड़े लग रहे देखने में। अरे यार ये कैसे ब्लॉक के अंदर मैं आ गया, रुक जा, भागने दो यहाँ से भाई। ये देखो ये सब कीड़े मकोड़े ही हैं। ये लाल वाला क्या है, देखने में तो ये तो शायद चींटी लग रहा है, और ये पिंक वाला, अरे रे ये पिंक वाला केचुआ मुझे पसंद नहीं। ओ ये देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग को एक चेस्ट मिलेगा, और चेस्ट में ये क्या है, बग नेट। अरे भाई बताओ, छी, ये सब मुझे धक्का मुक्की मार रहा है। चलो ये सारा सामान लेके यहाँ से निकला जाए भाई, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो ये सब क्या मुझे मिल गया है, स्टिक इंसेक्ट और ग्रास हॉपर और बग नेट। ओ रुक जाओ, ये देखो बग नेट मिल गया, इसकी मदद से शायद हम लोग यस, ये देखो इन सभी को पकड़ सकते हैं। आ जाओ बेटे, अब मुझसे तुम लोग नहीं बचोगे, मुझे डरा रहे थे ना तुम्हारी चीटी की ऐसी की तैसी। आज मैं इस दुनिया से सारे कीड़े मकोड़े का नामी निशान मिटा दूंगा। आ जाओ, कहाँ भाग रहे तुम लोग, मेरे हाथों आज कोई नहीं बचे। अरे यार ये सब बच गए, कमान यार इन सब को भी पकड़ना था, लेकिन ये देखो मैंने 23 एंड पकड़ लिए, 10 बॉम पकड़ लिए। तो अब देखने दो आखिर इन सब का करना क्या है। कमान डोंट टेल मी कि मैं इन सभी को खा, मैं एंट खा रहा हूँ भाई, क्या दिन आ गया, मैं बेयर ग्रिल्स बन गया भाई, ये कैसा दिन आ गया। ना, मुझे ये सब बॉम्ब ये सब नहीं खाना, फेंको यहाँ पे, ये ब्लॉक मेरे लिए नहीं है, मैं पटापट यहाँ से निकल रहा हूँ। ओ भाई चलो बाहर आ गया। बताओ यार ये लोग तुम्हारे भाई को कीड़े मकोड़े खाने दे रहे हैं, ऐसा भी मेरा गंदा दिन नहीं आया है यार। तो चलो गाइज अब चले जाए किसी ढंग के ब्लॉक में, कोई भी ऐसा वैसा ब्लॉक में नहीं। तो आई थिंक सो ढंग का ब्लॉक, क्यों ना फर्नेस ब्लॉक में चला जाए, वहां पे शायद हम लोग को टेस्टी खाने की चीजें मिल सकती है, मतलब फर्नेस से तो खाना ही बनता है। चलो तो फटाफट एक फर्नेस बनाने दो। ये देखो इतने सारे कोबलस्टोन तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे, और मेरा काम हो गया। तो चलो फटाफट एक फर्नेस बनाने दो। ये बन गया हमारा फर्नेस, तो अब चला जाए फर्नेस के अंदर। बस इस फर्नेस के अंदर जाने पे खाना मिलने की जगह मेरा ही खाना ना बन जाए, वो तो देखा जाएगा। सो लेट्स गो गाइस, ये किसी ढंग के ब्लॉक के अंदर मैं आया, ये हुई ना बात। ये देखो गाइस यहाँ पे फर्नेस गोलम भी है। हेलो भैया क्या है, अरे सॉरी, ओ माय गॉड, थैंक गॉड भाई ये गुस्सा नहीं हुआ, मुझे इसे मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। चलो तो अब देखा जाए अब हमें इस ब्लॉक के अंदर क्या मिलेगा। अरे यार मैं ये बार बार फायर डैमेज क्यों ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चेस्ट होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे मुझे पिज्जा स्लाइस, कॉर्न चीज, भाई आज तो खाने का खजाना बन गया। तो अरे रुक जा, पहले ये सारी गंदी चीजें इधर हटाने दो मेरे इन्वेंट्री से। बताओ जब मेरे हाथ में हो पिज्जा तो मैं क्यों खाऊं कीड़ों मकोड़ों को। तो चलो भाई खाने दो इसे, देखा जाए क्या इसे कुछ स्पेशल इफेक्ट तो नहीं मिल रहा। यार ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया, पिज्जा खाने से हेल्थ क्यों नहीं बढ़ा। ओ ये देखो टमाटो खाने से हेल्थ बढ़ता है, अच्छा मैं समझ गया, हम लोगों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए इसीलिए हमारा हेल्थ नहीं बढ़ता। इसी बात पे इस वीडियो पे लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, नहीं तो बाबा डीपी के प्रवचन तुम लोग को कब सुनने
मिलेंगे। चलो तो खाने खजाने का इंतजाम तो हो गया, इतना सारा खाना मिल गया, तो अब कौन से ब्लॉक के अंदर चला जाए। यहाँ पे तो कोई डिफरेंट ब्लॉक दिख रहे। ओके वेट वेट वेट, मैं तो क्राफ्टिंग टेबल ब्लॉक के अंदर गया ही नहीं। बताओ, इतने देर से मैं इसका यूज कर रहा था एंड इसी को इग्नोर मार रहा था, तो चलो अब देखा जाए इस क्राफ्टिंग टेबल के अंदर हम लोगों को ऑब्वियसली क्राफ्टिंग गोलम दिखेगा। हेलो गोलू भाई साहब, कैसे हो? ये देखो, ओ भाई हम लोग इसके अंदर क्राफ्ट भी कर सकते हैं। चलो चलो सही है, लेकिन आई हाईली डाउट मैं इसके अंदर कुछ क्राफ्ट करने वाला हूँ, कुछ है ही नहीं क्राफ्ट करने को। तो देखने दो, इस ब्लॉक के अंदर कोई चेस्ट होना चाहिए। अरे भाई कहीं ना कहीं चेस्ट तो होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे भाई के साथ स्कैम हो जाएगा। रुक जाओ, इधर कहीं पे छुपा हो सकता है चेस्ट, देखने दो। ओ भाई एक बार में मिल गया। तो इधर ये क्या है, माइंडिंग गैजेट MK1। ओके ये कुछ खतरनाक मिला और स्टोन एक्स मिल गया। चलो चलो रख लेता हूँ, अब इन दोनों की जरूरत नहीं है, लेट्स गो। तो और तो इधर कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। हेलो भाई क्या बोलते हो, गाइस इसे टपका दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, बेचारे को छोड़ देते, ये बंदा डिप्रेस नहीं दिख रहा। चलो चलो तो इसे मैं जिंदा छोड़ देता हूँ एंड अब चला जाए इस ब्लॉक के बाहर। ओ ये क्या हो गया, अरे सॉरी सर, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। ओ भाई बच के आया यार, आज तो लगता है वो गोलम मेरी बैंड ही बजा देता। भाई बच गया, मैं बच गया। तो चलो अब हम लोग फालतू का पंगा नहीं लेंगे। ओ रुक जाओ, देखने तो दो आखिर ये मुझे मिला क्या है। इसकी मदद से हम लोग, ओ ये देखो हम लोग ब्लॉक्स माइन कर सकते हैं। भाई ये तो बड़ा ही मस्त चीज मिल गया, इसकी मदद से हम लोग सभी चीजें माइन कर सकते हैं। ये देखो क्राफ्टिंग टेबल भी मिल गया। ओ भाई अब आएगा ना मजा, सभी चीजें माइन। अच्छा ये फर्नेस माइन नहीं कर सकते, लेकिन सारी ब्लॉक्स माइन कर सकते हैं। चलो गाइस तो अब शुभ काम में देरी कैसी, फटाफट अब ढूंढा जाए आयरन कोल ब्लॉक के अंदर जाया जाए। ना, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स के अंदर चलते हैं। तो अभी चला जाए आयरन ब्लॉक के अंदर, और उसके लिए मुझे आयरन ढूंढना पड़ेगा जो शायद मुझे दिख गया। ये देखो यस आयरन दिख गया, और अच्छी बात यह है कि इसकी मदद से हम लोग ओर्स भी माइन कर सकते हैं। भाई बहुत काम आसान हो गया मेरा, लेट्स गो गाइस। तो हमारे पास हो चुके हैं 10-10 रॉ आयरन, इसकी मदद से हम लोग इजिली आयरन ब्लॉक क्राफ्ट कर सकते हैं। चलो तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलो भाई तो अब इसके अंदर चला जाए और देखा जाए इसके अंदर क्या मिलेगा। वैसे मैं गेस कर रहा हूँ आयरन गोलम मिलेगा, ये तो ऑब्वियस है। चलो तो देखा जाए एंड वो देखो पीछे आयरन गोलम है, इपिक डिपिक 9000 IQ, देखा मैंने सही गेस किया था। तो आयरन गोलम तो मिला, बट ये सब क्या है भाई, कैक्टी। चलो कोई बात नहीं। ओ ये देखो ये रहा चेस्ट, तो देखा जाए इसमें मिला है थॉर्नी आयरन स्वॉर्ड, ये कुछ खतरनाक लग रहा है। एक शील्ड भी मिल गया, इफिशियंसी 5 का आयरन एक्स मिल गया एंड एक आयरन पिकैक्स भी मिल गया। ओके तो अब मेरे पास आई थिंक सो ढेर सारी ओपी चीजें हो गई। तो आई थिंक सो अब मैं जाके उस लॉग के अंदर जो वो मॉन्स्टर था उसे टपका सकता हूँ, लेकिन एक सेकेंड रुक जाओ, क्या इन सभी को टपकाने से मुझे कुछ मस्त ड्रॉप मिलेगा? ट्राई किया जाए तो ओ भाई ओ माय गॉड, ये लोग तो अटैक कर रहे हैं मुझ पे। अरे ये नहीं होना था। ओ आयरन गोलम को भी मारा, देखो आयरन गोलम भाई साहब आप पे ये लोग अटैक कर रहे हैं। जाओ उन सबको टपका दो। अरे यार ये लोग तो मुझ पे अटैक कर रहे हैं, अब लगता है मुझे इन सभी से पंगा लेना ही पड़ेगा। ये लो तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओके इन्हें मारना उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ऐसे बच के मुझे मारना पड़ेगा। यार अच्छी बात नहीं है, ये लोग मुझ पे लॉन्ग रेंज अटैक कर रहे हैं और मेरे पास एक छुटकू सा स्वॉर्ड। कोई बात नहीं तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। अरे रुक जाओ पहले टमाटर खाने दो। हाँ अब तुम्हारा भाई सब कुछ संभाल लेगा। अरे मर जा भाई इस एक्स से आई थिंक सो थोड़ा कम डैमेज होता है, इस शॉट से ही ज्यादा डैमेज हो रहा है इन लोगों को। भाई तो अब बस ज्यादा नहीं, बस दो लोग बचे। ओके इन्हें टपकाना तो इजी होगा। अरे यार ये नल्ला आयरन गोलम क्या कर रहा है, थोड़ा हेल्प कर दो भाई। ना भैया ये नहीं हेल्प करने वाला है, मुझे लगता है मुझे खुद का हेल्प खुद से करना पड़ेगा। चलो टपक जा भाई। चलो इसे टपका दिया, ये रहा आखिरी बंदा, बस अब मुझे इसे टपकाना है एंड लेट्स गो। मैंने इसे भी टपका दिया, बट यार इन्हें मारने का उतना कुछ फायदा हुआ नहीं, मुझे इन सब का स्टाफ या फिर जो भी फेंक रहे थे मिला नहीं। चलो कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा। तो ये देखो ये मिल चुका थॉर्नी आयरन स्वॉर्ड, ये थोड़ा काम का चीज मिला है। तो चलो अब यहाँ से निकला जाए एंड अब चला जाए वापस से उस फॉरेस्ट गार्डियन से पंगा लेने। बताओ भाई आते ही मेरी बेइज्जती करवा दी थी उसने, मुझे टपका डाला, अगर मैं रोने लगता तो मेरे घर पे तो मम्मी भी नहीं है मुझे चुप करवाने के लिए। तो चलो अब उस बच्चे को बताया जाए, लेकिन उसके लिए मुझे, अरे यार ऊपर जाना पड़ेगा।
चलो तो अब मैं टोटल रेडी हूँ उससे फाइट करने के लिए। बताओ भाई ओकलॉग में ऐसे हैं, पता नहीं बेडरॉक में कैसे मॉन्स्टर आएंगे, तो चलो अंदर चला जाए। ओ भाई आ गया, कहाँ गया वो? ये देखो ये रहा, मेरा ही इंतजार कर रहा था। तो चलो चलो भाई, डर तो लग रहा है लेकिन इसे टपकाना तो पड़ेगा। ओ भाई मुझे मारो मारो मुझे मारो। अरे यार ये तो मुझे मार ही नहीं पा रहा। क्या हुआ सर जी, मुझे छू नहीं पा रहा? ये लो तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे टपका था ना। लेट्स गो यार, ये पेड़ मुझे बचा रहा है। दिस इज व्हाई आई लव ट्रीज। इसीलिए कहता हूँ गाइस, हमेशा हम लोग को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ये देखो नहीं प्रोटेक्ट करोगे तो ओ माई गॉड बाप रे इसने मुझे मारा। यार भाई मारो नहीं ना, मैं तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन चलो अब ये बंदा ऑलमोस्ट टपकने वाला है। एक दो शॉट और एंड लेट्स गो भाई। ये बंदा टपक गया और ये क्या ड्रॉप हो गया? हेलो ये क्या कटोरी वटोरी? ये क्या पता नहीं, मेरा इन्वेंटरी तो खाली है, मैं इसे उठा नहीं पा रहा। खैर छोड़ो, इसे इग्नोर मारते हैं एंड ढूंढते यहाँ का चेस्ट जो कि मुझे ऑलरेडी मिल गया। तो ओ भाई ये क्या है, एमरल्ड बैम्बू हेलमेट और ये सब क्या मिल गया? ये तो किसी तरह का आर्मर लग रहा है। चलो 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 इसे पहन के देखा जाए। तो ये देखो भाई लग रहा हूँ ना मैं एकदम जंगली। अरे यार ये तो मैं सच्ची में जंगली लग रहा हूँ भाई भाई भाई। अरे वो हेलमेट तो गायब हो गया। तो चलो और तो यहाँ पे आई थिंक सो कुछ है नहीं, तो निकला जाए यहाँ से। लेट्स गो। तो भाई अब देखा जाए अब कौन से ब्लॉक के अंदर चला जाए। लेट्स गो, अब चला जाए सीधे डायमंड ब्लॉक के अंदर एंड उसके बाद जाएंगे बेडरॉक के अंदर जहाँ पे हम लोग को कुछ खतरनाक मिलने वाला है। तो चलो चलो चलो, ये रहा मेरा माइनिंग टूल, इसी की मदद से नीचे चला जाए। भाई कौन माइनिंग करेगा जब इतना अच्छा टूल मेरे पास है। यार ये टूल बड़ा सही मिल गया। ये देखो भाई मैं ऐसे ही डायरेक्ट नीचे जाऊंगा, डरता थोड़ी हूँ। मर गया तो मर गया लेकिन भाई मैं डायरेक्ट नीचे डिग करूंगा। ओके ओके चलो छोड़ो, कुछ ज्यादा हो गया, इतना सारा सामान मिला है खो जाएगा। हाँ ठीक है तुम लोग डरफोक डीपी लिख सकते हो। ये देखो नीचे आ गया। ओ भाई सच्ची में फॉल डैमेज से मर जाता लेकिन नहीं मरा। अच्छा वो भाई मैंने अपनी हरकतें सुधार ली। तो चलो गाइस अब चला जाए डायमंड खोजो अभियान पे। आई थिंक सो यहाँ कहीं पे डायमंड मुझे इजिली मिल जाना चाहिए क्योंकि भाई डायमंड ढूंढने में तो तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है। ओ ये देखो यहाँ पे ऑब्सीडियन है, क्यों ना एक बार ऑब्सीडियन ब्लॉक के भी अंदर चल के देखा जाए, क्या पता वहां से भी हम लोग को कुछ ओपी चीजें मिल जाए। तो रुक जा भाई, पहले पेट पूजा करने दो। हाँ अब ठीक है, तो चलो अब चला जाए इस ऑब्सीडियन के अंदर एंड ओके यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों हो गया? कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो ये सब क्या है, मुसु? यार ये लोग काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। हेलो मुसु भाई साहब, चलो इन लोग को नहीं टपकाता हूँ। तो ये देखो गाइस ये रहा हमारा, व्हाट द हेल, ये ऑब्सीडियन गोलम किस एंगल से है? यार ये तो इस ऑब्सीडियन गोलम के साथ से काम हो गया, इसे ऑब्सीडियन का बोल के क्ले गोलम बना दिया। गाइस वन लाइक इज इक्वल टू वन दिल से बुरा लगा। एंड ये देखो मुझे यहाँ का चेस्ट भी मिल गया, तो देखने दो यहाँ पे मुझे मिला है वो एक खतरनाक सा एंड एक ऐसा स्वॉर्ड जिसका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा, हेमोलिम्फी ब्रॉड स्वॉर्ड। ओके भाई जो भी हो रख लेता हूँ, क्या जाता है, एंड बाकी चीजें भी रख ली जाए। लेट्स गो, अच्छा खासा चीज मुझे मिल गया, सही है। लेकिन यार मैं बार बार अपने मकसद से भटक रहा हूँ, मुझे अब चलना है डायरेक्ट डायमंड ब्लॉक के अंदर, उसके अंदर देखना है मुझे उसके अंदर क्या मिलेगा। तो चलो यहाँ से निकला जाए एंड चला जाए डायमंड ढूंढने। भाई ये डायमंड कहाँ पे मिलेंगे? दिख जा। अरे हड्डी तुम्हें नहीं देखना था यार, डायमंड को मुझे देखना है। ओके लेट्स गो, डायमंड दिख गया। तो चलो अब इसके अंदर चल के देखा जाए यहाँ पे क्या मिलेगा। तो लेट्स गो। ओके कुछ तो खास लग नहीं रहा है देखने में सिवाय इस गोलम के। हेलो गजब बेइज्जती है। ये देखो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं डायमंड ब्लॉक के अंदर। लेट्स गो, यहाँ पे ढेर सारे डायमंड है, माइन कर सकता हूँ। ओके भाई यहाँ पे तो हम लोगों को मिल चुका है अनलिमिटेड डायमंड, ये हुई ना बात। ओ ये देखो यहाँ पे चेस्ट भी है। ओके ऑलरेडी यहाँ पे चेस्ट पड़ा रखा है एंड बग्ड डायमंड स्वॉर्ड, ये कुछ यूनिक मिला। 20% चांस टू डिस्पॉन एंड टर्न्स स्वॉर्ड इनटू डायमंड स्वॉर्ड। तो आई थिंक सो इसका यूज करने से 20% चांस है कि मॉब्स डिस्पॉन हो जाएंगे। ओके नाइस, तो इसका ट्राई इस लावा स्ट्राइडर पे किया जाए। चलो इस पे ट्राई किया जाए। तो 1 2, अरे भाई डिस्पॉन हो गया। ये देखो यार ये तो कमाल का चीज मिल गया मुझे। ओ
ओह नो, व्हाट द हेल, ये स्वॉर्ड अब डायमंड स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो गया। अरे छी यार, मुझे क्या पता था इसका यूज मैं बस एक ही बार कर सकता हूँ, इसका डैमेज तगड़ा था। कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, तो और तो कुछ यहाँ पे है नहीं करने को। इससे ना भैया ना पंगा नहीं लेना है मुझे, तो चलो अब निकला जाए इस ब्लॉक से। यार लेकिन अच्छा नहीं हुआ ये मेरे साथ, भाई इसकी क्या प्रॉब्लम है। आ जाओ टपकाई डालता हूँ, टू शॉट में टपक गए ना। वैसे ये स्वॉर्ड भी बुरा नहीं है, चलो कम से कम एक शॉट तो तगड़ा वाला मिला। और आर्मर, और ये दोनों आर्मर ऑलमोस्ट सेम है, तो चलो मैं यही जंगली वाला आर्मर रखूंगा। तो चलो गाइस, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक को तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया, तो अब चला जाए बेडरॉक को देखने। भाई पहले तू ये कर ले, और पता नहीं एम भी लगा रहा है कहाँ पे। चलो तो अब इन सब पगलेट लोगों को इग्नोर मारा जाए, एंड चला जाए डायरेक्ट बेडरॉक में, देखा जाए उसमें क्या मिलेगा। वहां पे कुछ खतरनाक ही होगा, तो ना भैया ना, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना है, उस वार्डन से पंगा नहीं लेना मुझे, चुपचाप चला जाए बेडरॉक में। ये देखो बेडरॉक भी मिल गया, लेट्स गो गाइस, ये फाइनल ब्लॉक है जिसके अंदर मैं जाने वाला हूँ। तो पहले खाना खा लेता हूँ, एंड अब चला जाए इस ब्लॉक के अंदर, लेट्स गो। यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यार मुझे लगा था यहाँ पे कुछ तबाहीदार मिलेगा, लेकिन चलो ये देखो यहाँ पे एंड पोर्टल। ओ ये देखो यहाँ पे चेस्ट भी है, तो स्वॉर्ड ऑफ अनडाइंग। ओके ये हुई ना बात, यहाँ पे कुछ खतरनाक चीज मुझे मिला है, लेट्स गो। तो देखा जाए इस स्वॉर्ड से शायद हम लोग, ओके ओ भाई मैं समझ गया, मतलब ये एक तरह से टोटम स्वॉर्ड हो गया, विच मीन्स अब हम लोग टपकेंगे ही नहीं। चलो भाई अब क्या ही टेंशन लेना, तो यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया जाए, एंड चला जाए एंडर ड्रैगन को टपकाने। ओ व्हाट द हेल, ये सब क्या हो गया यहाँ पे? पहली बात तो ये बेडरॉक गोलम नहीं है, एंड दूसरी बात हम लोग को एंडर गार्डियन से फाइट करना होगा, एंडर ड्रैगन से नहीं। कोई ना भाई कोई ना, सबको टपका लेंगे। चलो 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 देखा जाइए एंडर गार्डियन कहाँ पे है। तो हेलो भाई कहाँ पे हो आप? और गाइस जो अभी ये म्यूजिक चल रहा है ना, वो मैंने नहीं लगाया, वो इस गेम का है, इस बॉस का। तो वो देखो भाई बोरा एंडर गार्डियन। तो चलो अब पंगा लेना चालू किया जाए, तो ये वाला आर्मर पहन लेता हूँ, आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर है, एंड सब कुछ तो है पास। तो लेट्स गो भाई, माता रानी का नाम लेके इसे टपकाया जाए। ओ माय गॉड भाई जी ऐसा मत अटैक करो आप मुझ पे, मैं डर जाऊंगा। यार ऐसे आप बच्चे को डराया मत करो। ओ भाई ये तो हवा में भी उड़ा रहा है, यार ये सब सही बात नहीं है। देखो ब्रो ऐसे उल्टे सीधे अटैक नहीं करने चाहिए। ओ माय गॉड, ये लो मर 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 मर, जल्दी मारिए, इस शॉट से मारता हूँ, ये ज्यादा पावरफुल। ओ भाई ये क्या, ये गोकू पंच मार रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी किसी सुपर साइयन से कम थोड़ी हूँ, टपका डालूंगा। ऑलमोस्ट मैंने इसका हेल्थ आधा कर दिया भाई। अरे यार वो डायमंड वाला स्वॉर्ड रहता ना, तो मैं इसे डायरेक्ट डीस्पॉनिंग कर देता, वो मैंने फालतू लोगों पे यूज कर लिया। कोई बात नहीं, अब ऐसे ही करके इसे हराना पड़ेगा। वैसे ओ माय गॉड भाई कमॉन भाई, ये गलत बात है। चलो गाइस अब इस स्वॉर्ड का पावर यूज किया जाए, ये देखो मुझे एक्स्ट्रा लाइफ मिल गया, लेट्स गो। अब तो भाई इसे मारना इजी हो जाएगा। भाई यहाँ पे पूरा बसर मच रहा है। नहीं, इतनी जल्दी से मैं नहीं मरूंगा। ये देखो इसका यूज करके मैं बार बार अपना हेल्थ बढ़ा सकता हूँ, एंड फिर इधर आके इसकी ऐसी की तैसी कर सकता हूँ। तो अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, अब इसका काम तमाम ऑलमोस्ट हो ही गया, तो लेट्स गो भाई, लेट्स गो। टपका दिया मैंने इसे, इजी था, उतना भी हार्ड नहीं था, इसीलिए मैं इन लोग को बोलता हूँ इपिक डिपिक से पंगा नहीं लेने का। तो चलो भाई आज तो मजा आ गया। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, अब ज्यादा लोगों से पंगा ले लूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो मिला जाए आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।